कृपया उसे देखें। हमारे बीच शेर सिंह राणा जी, देश के बहुत ही प्रसिद्ध युवा नेतृत्व करने में सक्षम यहाँ उपस्थित हैं और आप सभी ने इनके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। हमने इन्हें कई बार इस बरगैया के क्षेत्र में और कई बार यहाँ जो हमारा पृथ्वीराज चौहान का आयोजन होता है या महाराणा प्रताप का आयोजन होता है, हमने इनसे निवेदन किया था कि इनको बुलाया जाए और ये मेरे सौभाग्य का है और मैं कहूँगा कि इस क्षेत्र के हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए भी बड़ी बात है कि शेर सिंह राणा जी इस समय भी घूम रहे हैं गांव गांव। तो शेर सिंह राणा जी, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप पहली बार इस क्षेत्र में आए हैं और ये पूरे बिहार में एक प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ की गंगा के तट पे इतने सारे गांव, इतने सारे लोग हैं। उस पर ठीक बार NTPC है, बीच में गंगा की धारा है, इस पर माँ दुर्गा के दरबार में आप खड़े हैं, तो आपको कैसा लगा हमारे क्षेत्र में आके? देखिए, ये पूरा क्षेत्र जो मैं आज घूम रहा हूँ और इससे पहले भी मैं बिहार के कई जिलों में और कई ग्रामीण इलाकों में लगातार जा रहे हैं, हम मेरे को ये महसूस हुआ, चाहे वो अपना कैमूर ज़िले की साइड हो और चाहे ये समस्तीपुर वाला इलाका हो, ज़मीन बहुत उपजाऊ है बिहार की। कैमूर को तो धान का कटोरा भी बोलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इतने फर्टाइल लैंड होने के बाद भी, इतनी उपजाऊ ज़मीन होने के बाद भी यहाँ पे लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यहाँ के करोड़ों लोगों को दूसरी जगह पर जाकर काम धंधे के लिए जाना पड़ता है और इसके पीछे अगर कोई ज़िम्मेदार है तो वह सिर्फ यहाँ की घटिया राजनीति और यहाँ के राजनीतिक दल, जिन्होंने यहाँ पे समाज को जाति में बांट दिया, कोई डेवलपमेंट पर काम नहीं किया। यहाँ का जो व्यक्ति है वो श्रमिक शारीरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा मेहनती है, बुद्धि से भी बहुत बुद्धिमान है, किंतु सरकार की जो पॉलिसी है वो कोई अच्छी पॉलिसी ना होने के कारण यहाँ पर इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं और यहाँ पर एक अच्छे राजनीतिक दल और एक अच्छे राजनीतिक दल के साथ एक अच्छा व्यक्ति अगर यहाँ का नेतृत्व करेगा विधायक के रूप में या सांसद के रूप में, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारी डेवलपमेंट आप इस इलाके में देखेंगे और ये बहुत ही डेवलप्ड राज्य जो है बन जाएगा। और ये प्रयास हम कर रहे हैं, हमने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, जिसका चुनाव चिन्ह खटिया छाप है और इस पर यहाँ से 25 वर्षों से लगातार समाज सेवा करने वाले भाई रणधीर सिंह जी हमारे प्रत्याशी हैं। देखिए, दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, आपको सबको मालूम है कि एक एक दो दो करोड़ रुपया देकर टिकट लेकर आते हैं, तो वो इसको बिजनेस की तरह लेते हैं। जो व्यक्ति एक करोड़ दो करोड़ रुपया टिकट देकर लेकर खरीद कर आएगा, वो पहले अपने पैसे पूरे करेगा, ना कि क्षेत्र में कोई डेवलप करेगा। लेकिन भाई रणधीर सिंह जी निस्वार्थ 25 साल से लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। ये जो राजनीतिक दल है खटिया छाप, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, ये एक सिद्धांतों की पार्टी है। हर राजनीतिक दल ने हमसे गठबंधन के लिए बात करी, लेकिन मैंने उनको कहा कि हम गठबंधन करते अगर सच में ही ये गठबंधन होता, किंतु ये गठबंधन नहीं, सब ठगबंधन है। किसी को ये मालूम नहीं है कि कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, किसी को ये मालूम नहीं है कि 11 तारीख को कौन किसके पाले में बैठा मिलेगा। लेकिन हमारा एक सिद्धांत है, हम कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। हमने इस राजनीतिक दल का गठन इसलिए किया है कि आजकल आए दिन स्वर्ण समाज के खिलाफ और हमारे दलित पिछड़े मुसलमान भाइयों के भी खिलाफ उल्टी सीधी हरकतें होती रहती हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये जो चारपाई है, इस चारपाई पर सभी जाति सभी धर्मों को मान सम्मान के साथ बैठाएंगे, जिसका जो अधिकार होगा उसको वो देंगे, लेकिन किसी को अपने अधिकार भी छीनने नहीं देंगे। एक लाइन में कहूँ तो ना किसी जाति धर्म के अधिकार को छीनेंगे और ना स्वर्णों के अधिकार को किसी को छीनने देंगे। नहीं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अभी अभी अपनी पार्टी लगभग बहुत हाल में लॉन्च की है, इसके पहले आप निश्चित रूप से भारत में एक जन जागरण का काम करते रहे हैं और राष्ट्रवाद को बहुत गहराई से आपने जिया भी है और उस राष्ट्रवाद को सामने भी आप लाए हैं। सारी दुनिया देखी जाने की आपने किस तरह से भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए हमारे हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि को वहाँ से बाइज्जत और प्रतिष्ठा के साथ लाया, लेकिन क्या आप उम्मीद रखते हैं कि इतनी कम समय में आपने जो पार्टी लॉन्च की है उसके उद्देश्यों की पूर्ति आपकी हो पाएगी इस चुनाव में? देखिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि कोरोना में लॉकडाउन के कारण
सरकार ने लॉकडाउन लगा के खुद अपना काम करते रहे लेकिन किसी दूसरे को काम नहीं करने दिया। तो अब ये कहना कि भाई जो हमारा एक मकसद था, मोटिव था, वो जन जागरण करना और अच्छे लोगों को सामने लेकर आना। तो क्या मैं ये समझूं कि शेर सिंह राणा जो अपने बातों के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं और कटिबद्ध रहे हैं, तो वो एक राजनीतिक विकल्प के रूप में जो हमारे देश को एक नई पार्टी दी है, क्या वो राजनीतिक विकल्प शेर सिंह राणा के स्टाइल की होगी या फिर यहाँ की जो पुरानी पार्टियों वाली स्टाइल है उसी स्टाइल में ये भी शामिल हो जाएगी? देखिए, हमारा राजनीतिक दल जैसे मैंने आपसे बताया उसका एक सिद्धांत है, उसी अनुसार उस पर काम हो रहा है, अच्छे लोगों को हम लेकर आ रहे हैं। और बिहार में आपको बता दूं, हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, हमारे कुछ लोग जीतने जा रहे हैं। किंतु ऐसा है कि आपको अक्सर लोग राजपूत नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और क्या यह सही है कि आपकी पार्टी केवल राजपूतों को लेकर चलेगी और बाकी जो दलित और ये सारे लोग हैं उनके लिए क्या सोचते हैं, उनके लिए आपकी पार्टी का क्या सोचना है? देखिए, अगर कोई मुझे क्षत्रिय नेता मानता है तो ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि जो असली क्षत्रिय है वही न्याय करता है। जो क्षत्रिय होगा वो सभी के साथ न्याय करेगा। इतिहास गवाह है कि जो असली क्षत्रिय होता है, अगर कोई गर्व से कहे कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो सदा वो दलित पिछड़े किसी के साथ भी कभी अन्याय कर ही नहीं सकता है। और अगर लोग मुझे क्षत्रिय नेता के रूप में मानते हैं तो ये मेरा सौभाग्य है, और मैं क्षत्रिय होने के नाते सभी से न्याय करते हुए, चाहे कोई हमारा दलित भाई हो, पिछड़ा भाई हो, किसी भी वर्ग जाति धर्म का हो, हम सबके साथ न्याय करेंगे, जिसका जो अधिकार है उसको देंगे तो और अपने अधिकार भी सुरक्षित एक, रखेंगे। एक ये हम जानना चाहेंगे कि आपने अपनी पार्टी से बिहार में क्षत्रियों के अलावे दलित और पिछड़े से भी किसी उम्मीदवार बिल्कुल किया है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी सीटों पर किया है अभी। हाँ, और उसमें हमारे दलित भाई जीतने वाले हैं, मोहनिया से हमारे जो है इंद्रजीत राम जी हैं, और हमारे ये दूसरे हैं पासवान जी हैं, मतलब हमारे दलित समाज से भी कई कैंडिडेट हैं और पिछड़े समाज के भी हमारे कई कैंडिडेट हैं। हमारे जो है ये रवि पटेल जी हैं, ये इस वाली एक तो रोहतास जिले की विधानसभा से। आप ये पूरी तरह से अपने पार्टी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यह केवल क्षत्रियों की पार्टी नहीं होगी, भले आप क्षत्रिय नेता के रूप में अपने आप को गौरवान्वित समझें, लेकिन आपकी पार्टी जब एक राजनीतिक पार्टी के आप प्रमुख होंगे तो आप ये मान के चल रहे हैं कि सारे लोगों को आप सही न्याय देंगे? नहीं, जब हम क्षत्रिय का रूप धारण करेंगे तो सबको साथ लेकर चलेंगे। आप बताइए, राम राज्य कब आएगा? जब क्षत्रिय का झंडा होगा न्यायप्रिय, ब्राह्मणों का उस पर आशीर्वाद होगा और दलित और पिछड़े भाइयों का उस पर सहयोग होगा, तब सबको न्याय मिलेगा और तब जो है राम राज्य आएगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे शेर सिंह राणा जी का वर्ल्ड टीवी की तरफ से स्वागत करते हुए और वर्ल्ड टीवी के तमिलनाडु चीफ के नाते मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप राजनीतिक पार्टी में आगे आए और भविष्य आपका अच्छा हो, सबको साथ लेकर चले। जय माता दुर्गा जी। रणधीर भाई हमारे आपके यहाँ के प्रतिनिधि हैं और मैं इन्हें भी मैं इसी के लिए यहाँ फिर आऊँगा। पाँच छह से बात भी कर लीजिए।